साथी मौलिज को नवाज शरीफ के चेकअप की इजाज़त ना देने का मामला जेल हुकाम के बाद तर्जुमान वजीर आला ने भी मरियम नवाज के ट्वीट की तर्दीद कर दी। डॉक्टर शहबाज गुल का कहना है नवाज शरीफ की शुगर, ECG और ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हैं। मैंने मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का ट्वीट देखा जिसमें वो ये कह रही हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है या पंजाब हुकूमत है वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को उनके मालिक से मिलने नहीं दे रहे, उनका चेकअप नहीं करने दे रहे, जो कि सरासर गलत बयानी है और कंप्लीट मैं ये कहूँगा कि गलत इन्फॉर्मेशन है। उनके मालिक जो डॉक्टर अदनान है उन्होंने जेल इंतजामिया से आज शाम 5:38 में उनके मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, उन्होंने रब्ता किया कि ऐसे ऐसे उनको वो पुराने मरीज हैं जाइना के हार्ट के, तो उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए शाम को 5 बजे। आपको पता है कि जेल के डॉक्टर ने आज उन्हें चेक किया, वो बिल्कुल सेहतियाब थे, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी शुगर, उनकी ECG सब कुछ ठीक था। तो उनको ये कहा गया कि क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, आप मिलना चाहते हैं आप कल तशरीफ ले आए, क्योंकि उन्होंने शाम को 5:45 के करीब 5:38 पे किया, 5:54 पे उनको वापस बताया गया कि जी आप कल तशरीफ ले आइए, 5:38 पे उन्होंने रिक्वेस्ट की, 5:54 पे उनको बताया गया और तकरीबन 6:11 पे उन्होंने आगे से कहा जी थैंक यू सो मच, प्रोफाउंड रिगार्ड्स, मीन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हमारी प्रपोजल कि हम कल मिलेंगे। साथी मौलिज को नवाज शरीफ के चेकअप की इजाज़त ना देने का मामला है, इसी हवाले से मज़ीद तफसीला जानते हैं। आकिब तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब बताइएगा, वज़ीर आला ने भी मरियम नवाज के ट्वीट की तर्दीद कर दी है? जी बिल्कुल, तर्जमान पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से एक बयान भी सामने आया, उनकी जानिब से तर्दीद की गई है खासतौर पर, और जिक्र किया गया है कि जो मरियम नवाज ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के डॉक्टर जो हैं डॉक्टर अदनान उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और नवाज शरीफ के बाजू में भी दर्द है, जिसका मतलब यह है कि उनको दिल का मसला हो सकता है। इसके ऊपर उन्होंने एक तो ट्वीट भी किया, उसके साथ साथ उन्होंने अपना जो मौकफ है वो भी वाजे कर दिया। डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से इसकी तर्दीद भी की गई, उन्होंने कहा कि कल नवाज शरीफ जो कि गुज़िश्ता दिनों मुलाकात हुई है जिसमें फैमिली गई थी उसमें डॉक्टर अदनान भी मौजूद थे जो कि शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टर हैं और इनके जो ज़ाती मालिक हैं और वो सिर्फ 20 सेकंड नवाज शरीफ से मिले हैं, ये भी रिकॉर्ड में है सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ उनको मुकम्मल तौर पे इजाज़त भी दी गई है, वो कल जाके मिल भी सकती है। और जो जेल हुकाम है जेल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने नवाज शरीफ का चेकअप भी किया है, नवाज शरीफ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनकी ECG भी ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर लेवल भी ठीक है और उनकी शुगर जो है वो भी ठीक है। और उनकी जानिब से ये कहना था कि जिस मौलिज को इतना अहम बना दिया गया है उसके लिए इजाज़त ना देने का मामला सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के सिवा और कुछ नहीं है। डॉक्टर शहबाज गिल ने तमाम तरह चीज़ों की तकदीर की है, उन्होंने कहा हमें इजाज़त के लिए 5:38 पे मैसेज भी आया, हमने 6:11 पे इसको कन्फर्म भी किया और उन्होंने ठीक है। शुक्रिया आकिब तनवीर, आपने अपडेट किया।